मैं तो आरजूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे, 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा, तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले। रुक जा, रुक जा, क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेशाब अबे मिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। जरूर अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। मैं तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये हुरे होते हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इस दुनिया से हुरे जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन की यकीनन वाकई सच है। तो पाकिस्तानी मौलाना दिला रहे 135 फुट की हूर जो भी जन्नत में जाएगा, और जन्नत में जाने का रास्ता मौलाना साहब बता रहे हो भाई, 135 फुट की हूर के साथ कैसे एंजॉय करेंगे? जान सच है, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। कह रहे हैं आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब कि वो स्लीप विद देम, फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। ये तो होगा, ये तो होगा। आगे चलो, और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? ये जन्नत है। अबे समझ जाओ, बदतमीज हंसका रहे हो, आगे सुनो। बस तमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। अल्लाह इस जन्नत भाग ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की। और भैंसा खाना के भैंसे वाला दिमाग कर लिए आदमी लोगों ने, अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। और भारतीय हुरों का मकसद ये है कि अय्याशी। आई एम सॉरी बाबू। ये क्या बात हुई कि दो बच्चे होने चाहिए? दो क्यों होने चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। हाँ खुश हो जाओ। राकेश भाई मैं केवल आज प्रार्थना करता हूँ, या अल्लाह इस देश को आबाद रख, इसे शांति दे, विकास दे इस देश को, और इस देश के हर मुसलमान पुरुष को जन्नत दे, जन्नत में हूर दे। क्या बोला तूने? जन्नत दे, जन्नत में हूर दे, सब कुछ बेशुमार दे, और जन्नत में शराब तो हूर भी दे, जन्नत में शराब भी दे। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। मेरे साथ आमीन कीजिए, मुसलमान इस देश के आज आमीन। तड़प ही ऐसी है ना। मैं तो आरजूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे, 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा, तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले। सलाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है, जो कुरान में है इस्लाम उसको कहा जाता है। मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हो गया? तुम्हारी गांड से। अच्छा बात नहीं है। अरे सुन।
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखा भाई कारनामे, ये थे भाई पाकिस्तानी मौलानाओं की हरकतें। और भाई लड़कियां क्या ही तो अश्लील बातें कर रही थी यार। देखो वो बातें कर रही थी लेकिन वो सच्चाई बता रही भाई। जैसे मौलाना लोग बताते हैं कि मौलाना बोलते भाई 135 फुट की हूर मिलेगी जन्नत के अंदर। भाई 135 फुट की हूर होगी और भाई तुम हो गए चलो मैक्सिमम 6 फुट के हो, तो भाई 6×5=30 करूँ तो भाई तुमसे 50 गुना बड़ी, मतलब भाई तुम्हें 50वीं मंजिल पर जाना पड़ेगा पहले, और फिर जाके भाई तुम्हें जाके कुछ मतलब वहाँ पे दर्शन होंगे, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा दोबारा 10वीं-12वीं मंजिल पे, फिर आपको जाके ऊपर 85वीं मंजिल पे, मतलब यार ऐसे पागल हो जाओगे जन्नत का। तो भाई ये सिस्टम छोड़ दो भाई, टिकट विकेट मत कटवाओ जन्नत का, ये धरती है ना भाई यही जन्नत है, जो भी है यहीं पे है भाई, ठीक है। तो इसके चक्कर में अपनी घरवाली को मत ठुकराओ भाई। वो भाई बोल रहा था कि मेरी घरवाली सिर्फ सुंदर है भाई, वो ये तुम्हारी जन्नत जो भी है उससे अलग कुछ नहीं है, ना तुम्हें कोई कुछ देगा। दोस्तों ये थी पाकिस्तानी के जो मौलाना है उनका ज्ञान, कैसी दिखती है हूरे बता दिया वीडियो में, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।